Hello everyone, this is Monica and I welcome you to my channel Monica Academy. In today's video, we'll be studying the chapter number 5, The 100 Dresses Part 1. So, ye story jo hai, wo ek Polish girl ke baare mein hai. Her name was Wanda Petronsky. Wanda aur uski jo puri family hai, wo America mein jaakar settle ho chuki hai. Wanda jo hai, wo American town ke ek American school mein study karti hai. To mostly uske saath jo student hai, wo sab American hi hai. वांडा के बारे में बात करूं तो वांडा जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पुअर गर्ल है और वो थोड़ी इंट्रोवर्ट भी है. वांडा डेली स्कूल में एक ब्लू कलर की कलरफुल सी प्रिंट वाली ड्रेस पहनकर स्कूल जाती है. ये ड्रेस रोज सेम रहती है बट हमेशा नीट एंड क्लीन होती है, लेकिन आयन थोड़ी सही से नहीं होती है. अब अगर वांडा के स्कूल के बारे में बात करें तो वांडा जो है वो स्कूल में रूम नंबर 13 में बैठती है. हमेशा वो लास्ट बेंच पर बैठती है. एक कॉर्नर वाली सीट जो है वो उसने चूज की हुई है. मोस्टली उस लास्ट वाले बेंच पे जो है वो बॉयज बैठा करते हैं. बॉयज के वहाँ बैठने के कुछ रीजंस हैं, या तो वो वीक स्टूडेंट है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी स्टूडेंट है, इसलिए वो लास्ट बेंच पर बैठा करते हैं. बट वांडा का केस ये नहीं है. ना तो वांडा जो है वो नॉटी है और ना ही वो एक वीक स्टूडेंट है. वांडा के वहाँ बैठने का रीज़न ये है कि एक तो वो थोड़ी इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती, इसलिए उसने कॉर्नर वाली सीट जो है वो अपने लिए चूज की हुई है. सेकेंड रीज़न है, वांडा जो है वो एक ऐसी जगह से आती है जहाँ बहुत ही ज़्यादा मड होता है. वांडा बॉगिंग हाइट नाम की जगह से आती है और आते वक्त उसके शूज़ जो हैं वो मड से ख़राब हो जाते हैं. इस कारण भी वांडा जो है वो लास्ट सीट में बैठना प्रेफर करती है. वांडा जो है स्कूल में ज़्यादातर लोग उससे बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वांडा स्कूल में आ रही होती है या स्कूल से घर जा रही होती है तब बच्चे उसे परेशान करने के लिए उससे बात किया करते हैं और उसे बुली किया करते हैं. पैगी और मैडी जो है वो वांडा की क्लासमेट्स हैं. पैगी जो है वो स्कूल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गर्ल है. वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है. मैडी जो है वो एक पुअर गर्ल है. दोनों मिलके वांडा का मजाक उड़ाया करती थी. वो अक्सर वांडा को स्कूल आते हुए या स्कूल से घर जाते हुए या फिर स्कूल के प्लेग्राउंड में पकड़ लिया करती थी और उससे पैगी पूछा करती थी ज़्यादातर कि वांडा तुम्हारे पास तुम्हारी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस हैं. सो वांडा रिप्लाई करती थी कि मेरी अलमीरा में 100 ड्रेसेस हैं और ये सब डिफरेंट कलर्स की हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस की हैं. इसके बाद पैगी उससे पूछा करती थी कि क्या वो रेशम की है या फिर वो मखमल की है. तो उस पर वांडा उन्हें आंसर करती थी कि ये दोनों चीज़ों से मिलकर ही बनी है. इसके बाद पैगी वांडा से पूछा करती थी कि उसके पास शूज़ कितने हैं उसके घर पे. तो वांडा उसे बताती थी कि उसके पास 60 पेयर शूज़ के उसके घर पर रखे हुए हैं. ये सुनने के बाद बच्चे और जो पैगी थी वो वांडा के सामने तो उस पर नहीं हंसा करते थे, लेकिन जैसे ही वांडा जो थी वो मूर्ति थी तो सभी बच्चे उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया करते थे. अब अगर हम बात करें पैगी की, तो पैगी जो थी वो बाय हार्ट बुरी नहीं थी, वो क्रूअल भी नहीं थी, बट उसे एक चीज़ समझ नहीं आती थी कि वांडा जो है वो डेली स्कूल में सेम ड्रेस पहनकर आती है, लेकिन वो झूठ कहती है सबसे कि उसके पास 100 ड्रेसेस जो है वो उसकी अलमीरा पर रखी हुई है. तो उसे ये रीज़न समझ नहीं आता था कि वांडा सबसे झूठ क्यों बोला करती है. अगर अब यहाँ पर हम मैडी की बात करें तो मैडी जो थी वो खुद भी एक पुअर गर्ल थी, पुअर फैमिली से वो बिलोंग करती थी. दूसरे लोग जो उसे कपड़े दे दिया करते थे वो पहना करती थी. सो वांडा के लिए बेसिकली उसके दिल के अंदर सिंपथी थी. उसे बुरा लगता था जब भी पैगी जो है वो वांडा का उसके कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाती थी या उस पर हंसती थी. सो ये मैडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. मैडी जो थी वो ये चाहती थी कि जो पैगी है वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे, और ये वो सामने से नहीं कह पा रही थी पैगी को, क्योंकि वो पैगी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी. दोनों वो बेस्ट फ्रेंड्स थी आपस में. सो ये करेज वो नहीं जुटा पा रही थी. तो उसने डिसाइड किया था कि वो पैगी को एक लेटर लिखेगी और उसमें वो ये कहेगी कि पैगी वांडा का मजाक उसके कपड़ों को लेकर ना उड़ाया करें. लेकिन लेटर भी वो नहीं लिख पा रही थी, उतनी हिम्मत भी उसके अंदर नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने पैगी को लेटर लिखा और पैगी को ये सब बातें बुरी लग गई तो हो सकता है कि उनकी फ्रेंडशिप टूट जाए और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड जो है वो उससे दूर ना हो जाए. लेकिन पैगी जो है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो एक बैड गर्ल नहीं थी, वो क्रूअल नहीं थी. वो छोटे बच्चों को अगर कोई बुली करता था तो उनको बचाती थी. वांडा से सिर्फ उसको एक ही प्रॉब्लम थी कि वांडा जो है वो अपनी ड्रेसेस को लेकर सबसे झूठ क्यों बोला करती है. करंट डे की बात करें तो मंडे का दिन था.
और वोंडा स्कूल से एबसेंट थी, बट किसी ने भी उसकी एबसेंस को नोटिस नहीं किया था स्कूल में। ट्यूसडे को भी वोंडा जो थी वो स्कूल से एबसेंट थी, बट किसी ने नोटिस नहीं किया। वेडनेसडे को भी जब वो स्कूल नहीं आती है तो जो पैगी और मैडी हैं उन्होंने देखा कि वोंडा स्कूल में नहीं है और वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए कि वो स्कूल में क्यों नहीं आई। तभी मैडी जो है वो स्कूल के कंपटीशन के बारे में सोच रही है कि स्कूल में कंपटीशन है, गर्ल्स को जो है वो ड्रेसेस के डिज़ाइंस जो है वो बनाने के लिए दिए गए थे और वहीं बॉयज़ को मोटर बोट्स के डिज़ाइंस बनाने हैं। वोंडा को याद करते वो सोचती है कि वोंडा ने 100 ड्रेसेस के बारे में जो बताया है उसमें एक ब्लू कलर की ड्रेस है उसके बारे में वो सोच रही है। उसके बेसिकली उसके दिमाग में कॉम्पिटिशन की चीज़ें चल रही है और उसी में उसे ये चीज़ याद आती है कि गर्ल्स में जो कंपटीशन की विनर है वो क्लियर है, पैगी जो है वो विनर होने वाली है क्योंकि पैगी जो है उसकी जो ड्राइंग है वो क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छी है गर्ल्स में, सो उसे विनर होने से कोई नहीं रोक सकता, वो वहाँ पे क्लियर थी बिल्कुल। नेक्स्ट डे थोड़ी बूंदाबांदी हो रही होती है और पैगी और मैडी जो है वो स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। उस दिन वो सीधा स्कूल ही जाते हैं, उन्होंने वोंडा का बिल्कुल भी वेट नहीं किया। यूजुअली वो वोंडा को तंग करने के लिए बीच रास्ते में वोंडा का वेट किया करते थे, लेकिन उस दिन स्कूल में कंपटीशन का जो रिजल्ट था वो मिस मेसन जो है वो अनाउंस करने वाली थी, इसलिए उन्हें स्कूल जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। पैगी और मैडी जो है वो स्कूल पहुँचते हैं, अपने रूम में जाते हैं, वो देखते हैं कि रूम में चारों तरफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस के डिज़ाइंस जो हैं वो हैंग किए हुए हैं। वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उन्हें डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद मिस मेसन जो हैं वो रिजल्ट्स अनाउंस करने के लिए क्लासरूम में आती हैं और सबसे पहले वो बॉयज़ में जो विनर होता है उसका नेम अनाउंस करती हैं। बॉयज़ में जो फर्स्ट प्राइज मिलता है वो मिलता है जैक बेगल्स को। इसके बाद मिस मेसन बताती हैं कि जितनी भी डिज़ाइंस क्लासरूम में हैंग किए हैं ये सिर्फ एक ही गर्ल ने बनाए हैं, मोस्टली गर्ल्स जो हैं उन्होंने एक या दो ड्रेसेस के डिज़ाइन सबमिट किए हैं, लेकिन एक गर्ल ऐसी है जिसने ये 100 डिज़ाइंस जो हैं वो बनाकर सबमिट किए हैं और जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि इसमें से किस ड्रेस को फर्स्ट प्राइज दिया जाए। और इसके बाद मिस मेसन जो हैं वो गर्ल्स की विनर को अनाउंस करती हैं, वो बताती हैं कि जो वोंडा पेट्रॉन्स की है उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है और उन्होंने 100 ड्रेसेस जो हैं वो बनाकर सबमिट की थी। बच्चे जो है वो वोंडा को क्लासरूम में ढूंढते हैं बट वोंडा उस दिन एब्सेंट होती है। सभी बच्चे जो है वो खुशी से वोंडा के लिए क्लैपिंग करते हैं। मैडी जो है वो पैगी से कहती है कि वोंडा की बनाई हुई उस ब्लू कलर की ड्रेस को देखो जिसके बारे में वोंडा जो है वो अक्सर हमें बताया करती थी। वो दोनों ही एडमायर करते हैं वोंडा की बनाई हुई ड्रेसेस को। उन्हें लगता है कि वोंडा के पास रियल में तो 100 ड्रेसेस नहीं थी बट उसके माइंड में 100 ड्रेसेस थी जिसको उसने अपने ड्राइंग में ड्रॉ किया था और अपने कंपटीशन के लिए सबमिट किया था। पैगी जो थी उसे दिल से थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि वो कंपटीशन की क्लियर विनर है, उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है, उससे अच्छे ड्राइंग जो है वो क्लास में कोई नहीं करता, इसी कारण उसे थोड़ा सा बुरा लग रहा था। वोंडा को कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला था लेकिन वोंडा उसे कलेक्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि वो स्कूल में उस दिन एब्सेंट थी। और यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल इन द चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।